फिल्मी दुनिया में गोविंदा का नाम एक सफल एक्टर के रूप में शामिल है। उनकी एक्टिंग और डांस स्टेप के लोग आज भी दीवाने हैं। 90 के दशक में तो गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर और स्क्रीन पर धमाल बचा देती थी। फिल्मों में गोविंदा ने अपने दमदार किरदार और जबरदस्त स्टाइल से हर किसी को दीवाना बनाया। आज भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। गोविंदा अपने समय के सुपरहिट मशहूर और सफल एक्टर रह चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी फिल्मी करियर का ग्राफ डाउन हो गया? आखिर क्यों गोविंदा ने फिल्मों से बना ली थी दूरी? गोविंदा ने 1986 में फिल्म इल्जाम के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। जितनी तेजी से गोविंदा ने फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल की, उतनी ही तेजी से उनके फिल्मी करियर का ग्राफ भी डाउन हो गया। इसका कारण गोविंदा का राजनीति में कदम रखना माना गया। अभिनेता से राजनेता बनने की शुरुआत गोविंदा ने साल 2004 में की थी। इस समय गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा। गोविंदा ने चुनाव में जीत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। इसके कारण मुख्य रूप से गोविंदा की ओर से फिल्में और काम के लिए दिक्कत होने लगी, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में सक्रिय होने के कारण वो अपनी एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और ना ही समय दे पाए। लेकिन एक बार फिर वो राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है गोविंदा की राजनीति की दूसरी पारी कैसी रहेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल दी ग्राउंड न्यूज़।